अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए रशियन से। ये गाड़ी जब से मैंने ली, ये फर्स्ट सर्विस है जो आज मैं जा रहा हूँ। अभी भी 2000 बाकी है, लेकिन मैं इससे पहले ही सर्विस करवाने लगा हूँ, क्योंकि पहले जिस बंदे ने करवाई थी वो किसी और से करवाई हुई है। मैं पहले भी अपनी जो गाड़ी थी उसको प्रेसिजन से ही सर्विस करवाता था, तो अभी इसको भी वहीं पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो ऑयल वगैरह वो डालते हैं वो सब कुछ यानी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी सर्विस भी वहाँ वहीं से करवाई जाए। तो चलते हैं, देखते हैं फिर कैसे वो सर्विस करते हैं। जी, स्माइल गेट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में काफ़ी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो यहीं से हम लोग सीधा जाएंगे मस्कत। मस्कत जो अल खोद में है प्रेसिडियम, वहीं से मैं इसकी सर्विस करवाऊँगा। पहले भी मैं वहीं से करवाता था। इधर स्माइल में भी है, लेकिन मैं वहीं पे जाता हूँ, मस्कत में ही जाता हूँ। हाँ, तो सब जगह सेम ही है, बट मैं वहीं पर जाता हूँ। आज मुझे वैसे भी मस्कत जाना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी की सर्विस भी वहीं से करवा लेते हैं। नहीं तो मैं यहाँ से भी करवा सकता था, बट मुझे जाना था, इसलिए मैं फिर मैंने सोचा कि वहीं से सर्विस करवा लूँगा। मुझे टायर में हवा कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी वो ना शो करवा रहा है कि इसमें एक में कम है। तो मैं अभी पेट्रोल पंप पे आऊँ अपनी गाड़ी के टायर की एयर पूरी करने के लिए। शुक्र है यहाँ पर धूप नहीं है, नहीं तो धूप में खड़ी करनी पड़ती गाड़ी। देखिए टायर बिल्कुल नीचे आया हुआ है, बहुत कम है हवा इसमें। क्या पैन पंक्चर है, ये क्या मसला है, इसका कुछ प्रॉब्लम है, अभी आज चेक करवाना पड़ेगा इसका। जी, तो एयर पूरी हो गई है, अभी मैं निकलने लगा हूँ मस्कत की तरफ। आज मौसम भी काफ़ी गर्म है, क्योंकि दो दिन से बारिश नहीं हुई। पहले तो डेली बारिश हो रही थी, लेकिन अभी दो दिन से बारिश नहीं हुई। आज तो फुल गर्मी है, पहाड़ों पर भी ऐसी पूरी धूप पड़ी हुई है, पूरे पहाड़ गर्म हुए हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से। तो बाहर भी निकलना मुश्किल था, लेकिन मुझे जाना था, बस एक काम है जिसकी वजह से मुझे जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं तो कल भी छुट्टी थी, मुझे आज भी छुट्टी है। दो दिन मैं रूम से निकलता ही नहीं हूँ, कल तो सारा दिन ही रूम से नहीं निकला, बस एक बार निकला हूँ। और आज भी बस सुबह का सोया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, और तो अभी निकला हूँ बाहर, तो पता चला कि इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज तो मैं भी टेम्परेचर भी 40 पे होगा, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो मैं मस्कत पहुंच चुका हूँ, ये है जी मस्कत मुआला में रेस्टोरेंट, यहाँ से मैं खाना खाने लगा हूँ, क्योंकि सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया था। इस रेस्टोरेंट का नाम है यारांदा टाबा जी। तो लंच मैंने कर लिया, अभी मैं निकलने लगा हूँ गाड़ी सर्विस के लिए देने के लिए। तो अभी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, इंशाल्लाह पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी कंपनी से मैं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाता हूँ। तो ये है जी जहाँ से मैंने गाड़ी की सर्विस करवानी है, प्रेसिडियन, मैं आपको दिखाता हूँ। एक फॉरेन कंपनी है जो ओमान में ऑपरेट कर रही है, जहाँ पे गाड़ी की पूरी सर्विस वगैरह गाड़ी की होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका बोर्ड, ये है जी बोर्ड इसका प्रेसिडियन का। इसमें इसकी क्या चेकिंग होती है गाड़ी की, क्या चेक करते हैं अभी इसमें? ये गियर का कंप्लेंट है, ये कंप्यूटर में चेक करेंगे। ओके ओके ओके। ऑल स्कैनिंग चेक करते हैं आप, ऑल गाड़ी स्कैन करते हैं, जस्ट गियर का? नो नो,
गियर ऑयल चेंज करेगा ये सिस्टम में। ओके ऑयल सेकिंग है 20 रियल। ओके 20 रियल 20 रियल कंप्यूटर ये ओनली गियर ऑयल से गियर ऑयल का सेकिंग होगा। नहीं नहीं हमको 20 रियल नहीं देना हम लोग बाहर से फ्री में करवा लेंगे दोस्त से वो टेंशन नहीं है। इसमें अभी स्कैन हो रहा है। स्कैन ओके ये ऊपर क्या फॉल्ट आया? நான் கொடுக்கல அவர் கொடுத்துருக்காரு ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் அப்படி கிட்டடிக்க அவர் கொடுத்துருக்காரு ஆக மாட்டேங்க என்ன பிளாக் ஓகே போற ஓஹோ சூப்பர் என்ன பிரச்சனை ये और जो पूरा गंदा हो चुका था ये भी पूरा चेंज करवाना है। इसमें पंप कम के जरिए जाएगा। हाँ अच्छा है इसमें ये सेम कंपनी एटीएस एसटी पे हां सही है ये कौन सा मैं बाहर से क्यों नहीं डलवाया क्योंकि बाहर से ओरिजिनल नहीं है। हाँ पहले भी मेरा गाड़ी होंडा है ना वो इधर से ही सर्विस होता था प्रेशर नहीं उधर का ओरिजिनल है डुप्लीकेट का नहीं है। फायदा नहीं बाहर से मेरा मालूम है पूरा दुकान इधर है जो मोबाइल में पूरा इससे है पूरा डुप्लीकेट है इसलिए डुप्लीकेट फायदा नहीं है। ये इसमें 4 लीटर डालेगा सही सही। इस कंपनी की एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हम लोग पास में खड़े होके एक एक बात पूछ सकते हैं ये कोई भी किसी भी बात का गुस्सा नहीं करते जो इनसे पूछो वो सही तरह अच्छे से जवाब देते हैं। ये नहीं कहते कि भाई आप क्यों बार बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो या क्या कर रहे हो। बहुत ही काइंड पीपल हैं यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है जो भी इनसे पूछो वो उसका सही जवाब देते हैं और सही गाइड करते हैं कि आपको अपनी गाड़ी के का कौन सा काम करवाना है करवाना चाहिए या कौन सा नहीं करवाना चाहिए सब एक एक बात क्लियर बताते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि इस कंपनी से सर्विस करवाना। तो आप भी अपनी गाड़ी लेके इसी कंपनी में आए इंशाल्लाह ये हर चीज़ सही बताएंगे जो भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होगा उसको एक हर तरह से गाइड करेंगे आपको। அடிச்சிருவோம் கொஞ்சம் கையடி
का कवर है, उसकी फिटिंग हो रही है, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, बस इसकी फिटिंग बाकी है, जो भी फिटिंग की जा रही है। अभी 3-4 महीने तो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि अब सब पूरे जितने भी ऑयल वगैरह थे सारे चेंज कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो गियर ऑयल, इंजन ऑयल, डिफ्रेशन ऑयल सब पूरा चेंज कर दिया है, जो फोर व्हील का होता है वो भी ऑयल चेंज कर दिए हैं। ओके गाड़ी का शूज गाड़ी से पीछे नहीं रहना चाहिए। जी तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं निकलने लगा हूँ यहाँ से घर की तरफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।